हेलो गाइस, मैं शशि फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जिला सिरमौर। इसमें हम जिला सिरमौर की स्ट्रेटजी जीके और इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिरमौर के मैप कि सिरमौर की सीमा कितने राज्यों और कितने जिलों के साथ लगती है। तो याद रखेंगे कि सिरमौर एक ऐसा मात्र जिला है पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। किस किस के साथ? हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड के साथ। और इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के दो जिलों को स्पर्श करती है, शिमला और आपके सोलन को। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एरिया है कितना, ये क्षेत्रफल पूरा हिमाचल प्रदेश में है कितना आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो क्षेत्रफल है वो है 2825 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल 2825 स्क्वायर किलोमीटर। और याद रखेंगे कि ये जो 2825 स्क्वायर किलोमीटर है पूरे हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट है, तो ये पूरे हिमाचल प्रदेश का 5.07% है। अगर हम एरिया वाइज सबसे बड़े जिले की बात करें पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे बड़ा जिला है वो है जिला लाहौल स्पीति का एरिया वाइज। तो जो सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के जनसंख्या घनत्व की कि सिरमौर का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो याद रखेंगे सिरमौर का जनसंख्या घनत्व 188 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 188 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम जनसंख्या घनत्व में बात करें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो हमीरपुर का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो लाहौल स्पीति का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लिंग अनुपात की कि सिरमौर का लिंग अनुपात कितना है। तो ये सिरमौर है इसका लिंग अनुपात है 915/1000। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो हमीरपुर का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का, 818/1000। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम यहाँ की आपके लिटरेसी रेट की, यहाँ का साक्षरता दर कितनी है। सिरमौर की साक्षरता दर, ये जो सिरमौर है इसकी साक्षरता दर है 79.28%। और साक्षरता दर में बात करें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर है हमीरपुर की। और जो सबसे कम साक्षरता दर है वो है चंबा की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपके सिरमौर की दशकीय वृद्धि कितनी है, 10 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है। ये सिरमौर इसकी दशकीय वृद्धि है 15.61%। ओवरऑल एचपी में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि है डिस्ट्रिक्ट ऊना की और सबसे कम है लाहौल स्पीति की। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिरमौर से अब यहाँ की धारें। पेपर में पूछी भी जाती है कि सिरमौर में किस धार को किस नाम से पुकारते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं चोटियां, पीक्स या धारें। तो याद रखेंगे कि सिरमौर में दो धारें प्रमुख हैं, कौन सी, गिरी आर और गिरी पार। गिरी आर और गिरी पार, तो ध्यान रखेंगे ये जो गिरी पार, उस ट्रांसफर पार करना, ट्रांसफर करना, गिरी पार को जानते हैं हम ट्रांसगिरी के नाम से, ट्रांसगिरी के नाम से। और गिरी आर को जानते हैं हम सिसगिरी के नाम से, सिसगिरी के नाम से। पेपर में पूछा भी जाता है कि आपका सिसगिरी किस धार को बोला जाता है, ट्रांसगिरी किस धार को बोलते हैं। और जो नेक्स्ट इन धारों से यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखेंगे सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है आपकी चूड़धार चोटी। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, चूड़धार चोटी। चूड़धार चोटी सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, कितनी हाइट है उसकी, तो याद रखेंगे 3647 मीटर। तो याद रखेंगे 3647 मीटर किसकी हाइट है, चूड़धार चोटी की। कुछ चूड़धार चोटी का पार्ट आपके शिमला में भी पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं सिरमौर की प्रमुख नदियों के ऊपर कि सिरमौर की कौन कौन सी नदियां हैं। लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था एक नदी के बारे में कि आपकी मारकंड नदी कहाँ बहती है, तो सभी ने इसका मैक्सिमम टिक यही लगाया था कि बिलासपुर में मारकंड नदी बहती है, बल्कि बिलासपुर में मारकंड नदी नहीं बहती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नदियों की
तो याद रखेंगे जो सिरमौर की सबसे प्रमुख नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी, ये जो यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री पर, कालिंद पर्वत से, यमुनोत्री नामक स्थान पे कालिंद पर्वत है जहां से इसका उद्गम होता है। तो याद रखेंगे इसका वैदिक नाम भी क्या है? कालिंदी, इसका वैदिक नाम है। और क्योंकि यह कालिंद पर्वत से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कहां से करती है? तो आपके सिरमौर के कहां पे? याद रखेंगे खादर मांजरी में, सिरमौर के खादर मांजरी में हिमाचल में प्रवेश करती है। खादर मांजरी, मांजरी में हिमाचल से, हिमाचल में प्रवेश करती है तथा सिरमौर के ताजे वाला से हिमाचल को छोड़ देती है। कहां पे? ताजे वाला से हिमाचल को छोड़ देती है, छोड़ देती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं टोंस, गिरी, पब्बर। याद रखिए टोंस, गिरी, पब्बर, बाटा, जलाल। टोंस, गिरी, पब्बर, बाटा, जलाल, घग्गर। और एक नदी और है यहां पे जो पेपर में पूछी गई थी, मार्कंड नदी। मार्कंड नदी, तो पूछा जाए कि मार्कंड नदी कहां बहती है? तो सिरमौर में बहती है। और एक चीज, ये जो टोंस नदी है इससे भी क्वेश्चन आया था कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, कि आपके पूछा गया था कि रूपीन किसकी सहायक नदी है, तो टोंस की सहायक नदी है। बाद में किस में मिलती है? टोंस, यमुना में। तो इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां टोंस नदी की कौन कौन सी? आपकी रूपीन और सुपीन। रूपीन और सुपीन, यह दो किसकी सहायक नदियां हैं? आपके टोंस नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। पब्बर नदी कहां से निकलती है? चंद्र नाहन झील से। पब्बर नदी चंद्र नाहन झील से निकलती है, ठीक है जी। और अगर बात की जाए कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे इसकी कुल लंबाई है 1525 किलोमीटर। हिमाचल में इसका सबसे कम प्रवाह है 22 किलोमीटर। और इससे जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आपका ये जो टोंस नदी है इसमें अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक मतलब कि माइका पाया जाता है। तो पूछते हैं कि माइका कौन से रिवर में मिलता है, तो आपके टोंस रिवर में मिलता है। ये थी यहाँ की प्रमुख नदियाँ जहाँ से मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, और हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम की, जैसे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कि यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। एक नंबर का क्वेश्चन अभ्यारण्य से भी पूछा जाता है, या नेशनल पार्क से भी पूछते हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो प्रमुख आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ वो इस प्रकार से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे प्रमुख है यहाँ पे वो है चूड़धार, चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका जो एरिया कितना है? तो चूड़धार चोटी है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका एरिया 16 स्क्वायर किलोमीटर। जो दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सिंबलवाड़ा, ये पेपर में आई थी, सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एरिया है 19 स्क्वायर किलोमीटर। और जो तीसरे नंबर पे यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका। ये जो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एरिया है 4 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी। ये थी यहाँ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ प्रमुख मंदिरों की, कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। तो जो यहाँ के मंदिर हैं उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है गायत्री मंदिर। यहाँ के मंदिर सबसे प्रमुख है गायत्री मंदिर। नेक्स्ट मंदिर की बात की जाए यहाँ पे तो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट बात करें मंदिरों में, तो अगला मंदिर त्रिलोकपुर मंदिर। याद रखेंगे त्रिलोकपुर मंदिर पेपर में पूछा भी जाता है, त्रिलोकपुर मंदिर, त्रिलोकपुर मंदिर।
ये जो मंदिर है ये माता बाला सुंदरी को समर्पित है, और इसे किसने बनाया था? दीप प्रकाश ने इसे बनवाया था। सिरमौर का जो राजा हुआ दीप प्रकाश ने इसे बनवाया था, और यह किसको समर्पित है? माता बाला सुंदरी को समर्पित है। बाला सुंदरी। और याद रखेंगे कि ये जो मंदिर है इस मंदिर को 84 घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है। घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यहां पे जो अन्य प्रमुख मंदिर है वो है आपके त्रिशूल मंदिर। त्रिशूल मंदिर। और बात की जाए यहां पे तो आपका कटासन मंदिर। कटासन मंदिर। और बात करें यहां पे तो देई साहिब मंदिर। देई साहिब मंदिर। अगर और बात की जाए तो आपके यहां पर रामकुंडी मंदिर, याद रखेंगे रामकुंडी मंदिर, यहां लिख देता हूं रामकुंडी मंदिर। तो ये थे सिरमौर के प्रमुख मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं सिरमौर के मेलों से, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पेपर में आया था। तो सिरमौर के यहां से क्वेश्चन ये आया था कि आपका गांधी मेला कहाँ लगता है। तो याद रखेंगे गांधी मेला लगता है सिरमौर में। जब मेलों का जिक्र हुआ तो अन्य मेले भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सिरमौर के प्रमुख मेले, तो जो सिरमौर में सबसे प्रमुख मेला है वो है आपका रेणुका मेला। और याद रखेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इंटरनेशनल फेयर है। जो दूसरा प्रमुख मेला है यहां पे त्रिलोकपुर मेला। त्रिलोकपुर मेला। और जो थर्ड नंबर पे है वो है आपका गांधी मेला। गांधी मेला ये कहां पे लगता है? ये पेपर में पूछा गया, लगता है आपके अंबोया में। यह अंबोया में लगता है। कौन सा मेला? गांधी मेला। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे जो अन्य आपके प्रमुख इंस्टीट्यूशन है या आपके जो भी यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो जो अन्य बात करें हम तो याद रखेंगे आपके सिरमौर में है सुकेती फॉसिल पार्क। ये पेपर में पूछा जाता है सुकेती फॉसिल पार्क। कहां पे है आपका सुकेती फॉसिल पार्क? आपका नाहन में। नाहन में सुकेती फॉसिल पार्क है। नेक्स्ट बात की जाए तो ऋषि कल्प मेमोरियल। ऋषि कल्प मेमोरियल। ये जो ऋषि कल्प मेमोरियल ये कहां पे है? ये है आपका पांवटा साहिब में। पांवटा साहिब में। नेक्स्ट बात करें यहां पे तो महिमा पुस्तकालय भी यहां पे है। महिमा पुस्तकालय। तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है। पुराना पुस्तकालय है। इसके बारे में और भी बताएंगे, पर अभी जब आपका हिस्ट्री स्टार्ट होगी उसके में उसमें बताया जाएगा कि इसकी स्थापना किसने की है। ठीक है जी। अन्य बात की जाए सिरमौर में तो सिरमौर में लिंटन मेमोरियल। नाहन में लिंटन मेमोरियल कहां पे है? नाहन में। नेक्स्ट बात करें और अगर सिरमौर में तो यहां पे आपकी एक राजवन में सीमेंट की फैक्ट्री भी है। सीसीआई सीमेंट की फैक्ट्री। सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री। याद रखेंगे ये 1980 में बनी थी और हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी ये आपकी सीमेंट की फैक्ट्री बनी थी। नेक्स्ट बात की जाए यहां पे तो सिरमौर में और अदरक व आड़ू का उत्पादन भी होता है। सिरमौर में क्या? अदरक व आड़ू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इस राजगढ़ को पीच वैली के नाम से जानते हैं। पीच वैली किसको जानते हैं?
राजगढ़ को पीच वैली के नाम से भी जानते हैं। और बात की जाए यहां पे तो आपके ये जो सिरमौर है यहां पे पजौत्ता आंदोलन भी चला था, ये जो चला था 1942 में, इसके बारे में हम किसके राजा के शासनकाल में हुआ है तो उसको भी हम आपकी हिस्ट्री में ही डिस्कस कर देंगे। और बात की जाए यहाँ पे तो पर्सनैलिटीज बल्ड, ये जो लास्ट टॉपिक है आपके इस किस स्टैटिक पार्ट से की और क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज याद रखेंगे, वाई एस परमार यहीं पे पैदा हुए थे आपके, वाई एस परमार जो यहाँ की सबसे प्रमुख पर्सनैलिटी है वो है वाई एस परमार, व्यक्तित्व में आपका वाई एस परमार व्यक्तित्व फर्स्ट कौन सा है वाई एस परमार। कौन थे ये वाई एस परमार, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको ये जो वाई एस परमार थे इनको 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। इनको शपथ किसने दिलाई थी तो जनरल हिम्मत सिंह ने। इनकी फेमस बुक भी है पोलेंड्री ऑफ हिमालयास, हिमालय में बहुपति प्रथा, ये इनकी बुक है क्या हिमालय में बहुपति प्रथा। एक और बुक है इनकी हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, हिमाचल प्रदेश की आकृति व उसके राज्य। और वाई एस परमार को और क्या बोला जाता है तो हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी वाई एस परमार को बोला जाता है, पर हिमाचल को हिमाचल नाम इसने नहीं दिया था, वो दिया था आपके आचार्य दिवाकर दत्त, मैं पढ़ा चुका हूं उसको सारा। तो इसको हिमाचल प्रदेश का निर्माता निर्माता भी कहा जाता है। और जो नेक्स्ट यहां से पर्सनैलिटीज है वो है किंकरी देवी, किंकरी देवी, ये जो किंकरी देवी है इसको पर्यावरण संरक्षण के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। पुरस्कार मिला था। लास्ट यहां से पर्सनैलिटी से वो दिलीप सिंह राणा, रेसलर हैं ये आपके ग्रेट खली के नाम से और इनको जानते हैं, तो वो इनके बारे में ये पूछा गया था कि सिरमौर के कहां से संबंध रखते हैं तो आपके दबराणा गांव से, दबराणा गांव। ठीक है जी, ये थी यहां की स्टैटिक पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इतिहास के ऊपर कि सिरमौर के हिस्ट्री में कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिरमौर का इतिहास। इतिहास और सिरमौर इतिहास में उन तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रियासत की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे तारीख रियासत सिरमौर एक पुस्तक का नाम है, तारीख रियासत सिरमौर, उसके अनुसार इस रियासत की स्थापना राजा रसालू ने की। राजा रसालू कौन सी पुस्तक के अनुसार, तारीख रियासत सिरमौर, तारीख रियासत सिरमौर, इसके अनुसार इस रियासत की स्थापना किसने की, और पुस्तक लिखी थी रणजौर सिंह ने, और इस रियासत की स्थापना कब की थी 1139 ईस्वी में। पर एक दूसरी बुक है गजेटियर ऑफ सिरमौर जिसके अनुसार इस रियासत की स्थापना की थी शुभंश प्रकाश ने, शुभंश प्रकाश ने इसकी स्थापना की थी। कौन सी पुस्तक के अनुसार, गजेटियर ऑफ सिरमौर, गजेटियर ऑफ सिरमौर के अनुसार किसने करी थी स्थापना, शुभंश प्रकाश ने इसकी स्थापना कभी करी थी, कब थी 1195 ईस्वी में। ठीक है जी, ये जो राजा रसालू ने था जब इसने राजधानी सबसे पहले कहां पे बनाई थी, इसने राजधानी बनाई थी सिरमौरी ताल, सिरमौरी ताल, तथा आपका शुभंश प्रकाश ने राजधानी कहां स्थापित की, राजवन में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहां से वो ये भी आता है कि
जो राजधानियां थी किसने कहां पे स्थापित की थी? तो याद रखेंगे कि इस रियासत के राजा उदित प्रकाश ने राजधानी स्थापित की कहां पे? कालसी में। तथा कालसी के बाद राजधानी स्थापित हुई थी आपकी रतेश में। कालसी के बाद कहां पे? रतेश। और राजधानी किसने स्थापित करी थी? तो स्थापित की रतेश। रतेश आपकी कहां की रियासत है आजकल? तो ये रियासत आपके शिमला की रियासत है। कौन सी? रतेश रियासत। अब रतेश से राजधानी कहां पे बदली गई थी दोबारा? कालसी। तो रतेश से कालसी राजधानी किसने स्थापित की थी? तो रतेश से राजधानी कालसी स्थापित की थी सूरज प्रकाश ने। याद रखेंगे सूरज प्रकाश कहां स्थापित की थी? रतेश से पुनः कालसी। और लास्ट में एक और राजा भी जिसने राजधानी स्थापित की थी कालसी से नाहन। तो नाहन लेके कौन गया था? तो करम प्रकाश। इसने राजधानी कहां स्थापित की थी? नाहन में। ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे उदित प्रकाश ने कालसी, आपके सुमेर प्रकाश ने राजधानी रतेश स्थापित की, सूरज प्रकाश ने कालसी लेके आया दोबारा से, और करम प्रकाश ने कहां पे स्थापित की थी राजधानी? नाहन ने स्थापित की। एक क्वेश्चन और भी आता है यहां से कि कुलिंद कौन से जिलों के निवासियों को कहा जाता है? तो सिरमौर जिलों के निवासियों कुलिंद के नाम से भी जानते हैं। कुलिंद के नाम से किसको? सिरमौर जिले के निवासियों को, क्योंकि आपकी जो यमुना रिवर है कालिंदी पर्वत से निकलती है, और यमुना रिवर के आसपास में जो लोग बसे हैं उनको कुलिंद के नाम से जानते हैं। आपके बुक्स में आपकी वेरिएशन भी है कि आपके सिरमौर के या शिमला के कुछ निवासियों को भी कुलिंद के नाम से जानते हैं, तो आप अपने एग्जाम में देख लेंगे ऑप्शन में क्या दिया गया है। ये आपकी राजधानी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं या इसकी स्थापना से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से जो पेपर में है, एक रजिया सुल्तान है, सुल्तान के विरोधी निजाम उल मुल्क, उसको किस राजा ने शरण दी थी? ध्यान से सुनेंगे, रजिया सुल्तान के विरोधी निजाम उल मुल्क को किस राजा ने शरण दी थी? तो याद रखेंगे कि 1237 ईस्वी में कौल प्रकाश ने रजिया सुल्तान के विरोधी निजाम उल मुल्क को शरण दी। निजाम उल मुल्क को शरण दी। पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, किसने शरण दी थी? तो निजाम उल मुल्क को शरण दी थी। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनता है कि आपको सभी को मैक्सिमम टाइम पता ही होगा कि रॉबिनगढ़ किला किसने बनाया था। तो ये जो रॉबिनगढ़ किला था सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने बनवाया था। सिरमौर का राजा था वीर प्रकाश, जिसने रॉबिनगढ़ किला बनवाया था। और इसने क्या किया था? तो वीर प्रकाश ने और पब्बर नदी के किनारे दुर्गा माता का मंदिर बनवाया। किसने? वीर प्रकाश ने। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन रिपीट होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको पता हो, मालूम पढ़ना होना चाहिए कि आपके गुरु गोविंद सिंह कौन से डिस्ट्रिक्ट में कब आए हैं। तो यहां भी आपके गुरु गोविंद सिंह ने यहां की भी यात्रा की थी। तो अगर पेपर में पूछा है कि जब गोविंद सिंह ने सिरमौर की यात्रा की थी तो उसमें सिरमौर का राजा कौन था, तो आप बोलेंगे कि जब गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर की यात्रा की उसमें सिरमौर का राजा था मेदिनी प्रकाश। मतलब क्या कि मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह ने यहां की यात्रा की, सिरमौर की यात्रा की। और ये कहां पे ठहरे थे? पौंटा साहिब में ठहरे। और कब से कब तक आपके पौंटा साहिब में ठहरे थे? तो
1684 से लेकर के 1688 तक, और यहीं से इन्होंने बंगाणी साहिब का युद्ध लड़ा था, बंगाणी साहिब का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बंगाणी साहिब का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह थे और बिलासपुर का राजा था, कौन था, भीमचंद, उसके बीच में क्या हुआ था, बंगाणी साहिब का युद्ध हुआ था। ठीक है जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है वो ये बनता है कि एक आपके यहाँ के राजा हुए हैं धर्म प्रकाश, जिन्होंने बिलासपुर या कहलूर रियासत के राजा महानचंद की सहायता की थी, किसके विरुद्ध, आपके हंडूर रियासत और संसारचंद के विरुद्ध, जिसमें ये आपका राजा मारा गया था। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि सिरमौर का कौन सा राजा मारा गया था जिसने आपके कहलूर रियासत के राजा की सहायता की थी। तो ध्यान रखेंगे इसका कि सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश ने कहलूर के राजा महानचंद की सहायता की, या ऐसा बोल सकते हैं कि कहलूर के राजा महानचंद के साथ मिलकर के संसार चंद और आपके हंडूर के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें क्या हुआ था, धर्म प्रकाश की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से बनेगा वो ये है कि किसके शासनकाल में यहां पे घरेलू विद्रोह हुआ था। तो याद रखेंगे कि सिरमौर के राजा करम प्रकाश के समय घरेलू विद्रोह हुआ, और पूछा जाता है उसको दबाने के लिए किसको आमंत्रित किया गया था, तो गोरखा। तो याद रखेंगे करम प्रकाश के समय घरेलू विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को दबाने के लिए गोरखाओं को आमंत्रित किया तथा रणजौर सिंह ने आपकी इस रियासत को अपने कब्जे में लिया। कौन, रणजौर, आपका पूरा नाम रणजौर सिंह, इस रियासत को अपने कब्जे में लिया, और रणजौर सिंह ने ही जातक दुर्ग का निर्माण करवाया था। जातक दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने, रणजौर सिंह ने। पूछा जाता है जातक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो रणजौर सिंह ने करवाया था। तथा 21 मई 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को राज्य से बाहर निकाला। याद रखेंगे 21 मई 1815 में गोरखाओं को राज्य से बाहर निकाला, गोरखाओं को राज्य से बाहर निकाला, कब, 21 मई 1815 में। उसके बाद यहां पे अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों ने आपके जो करम प्रकाश था उसके भाई था फतेह प्रकाश, जिसको राजा बनाया, किसको राजा बनाया था, किसको, फतेह प्रकाश को यहां का राजा बनाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहां पे आगे फतेह प्रकाश ने और क्या किया था। तो फतेह प्रकाश ने एक बहुत जरूरी काम किया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था शीश महल और मोती महल कहां है, तो सिरमौर में, उसकी स्थापना किसने की थी, फतेह प्रकाश ने। तो ध्यान रखेंगे शीश महल और मोती महल किसने बनाए थे, ये फतेह प्रकाश ने बनवाए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे अधिक अवधि तक यहाँ पे किसने शासन किया था। तो ध्यान रखेंगे कि सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने सबसे अधिक अवधि शासन किया, किसने, शमशेर प्रकाश ने अधिक अवधि तक शासन किया। कितने वर्षों तक यहां पे शासन किया था, तो 42 वर्षों तक शासन किया, सबसे अधिक अवधि तक। इसके शासनकाल में और क्या क्या काम हुए थे, तो याद रखेंगे किसने
1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की। नेक्स्ट बात करें तो 1875 में यहां पे नाहन फाउंड्री का निर्माण किया गया। याद रखेंगे 5775 कौन सी? नाहन फाउंड्री। नेक्स्ट बात करें कि और क्या हुआ था यहां, तो 1867 में रानी तालबाग का निर्माण किया गया। कब? 1867 में। और बात करें तो 1868 में नाहन म्युनिसिपल कमेटी बनी थी। कब? 1868 में। 1868 में क्या हुआ था? नाहन म्युनिसिपल कमेटी का गठन हुआ था। तो ये सब किसके शासनकाल में था? शमशेर प्रकाश के शासनकाल में ये सारी घटनाएं हुई थी। नाहन बात करें तो यहाँ पे और बात करें इसके काल में एक और क्या हुआ था, तो लिंटन मेमोरियल का निर्माण। तो याद रखेंगे कि 1878 में लॉर्ड लिंटन का नाहन की स्मृति में, नाहन प्रवास की स्मृति में नाहन में लिंटन मेमोरियल का निर्माण। कहां? काल में शमशेर प्रकाश के शासन काल में। और बात की जाए यहां पे तो एक राजा हुआ है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराने पुस्तकालय की स्थापना की है। और आता भी है पेपर में कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है, तो याद रखेंगे कि महिमा पुस्तकालय। तो ध्यान रखेंगे जो महिमा पुस्तकालय है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है, और इस पुस्तकालय स्थापना किसने की थी, तो अमर प्रकाश ने इस पुस्तकालय की स्थापना की थी। किसने? अमर प्रकाश इसकी स्थापना। तो याद रखेंगे और इसके बारे में, अमर प्रकाश ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हेल्प की, सहायता की। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें यहां पे तो ये जो इसने महिमा पुस्तकालय का नाम महिमा रखा तो किसके नाम पे रखा था? इसने अपनी पुत्री के नाम पर, महिमा पुस्तकालय का नाम रखा। जी लास्ट क्वेश्चन बनता है यहां से कि यहाँ के अंतिम राजा कौन है और उसके जो शासनकाल में आपके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हो, जैसे कि पंचोत्ता आंदोलन मैंने डिस्कस भी किया था। तो पंचोत्ता आंदोलन कहाँ पे हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? जब पंचोत्ता आंदोलन हुआ तब यहाँ का राजा कौन था? तो याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रकाश था सिरमौर का सबसे अंतिम राजा था, इसी के शासनकाल में सिरमौरी प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी 1937। सिरमौरी प्रजा मंडल की स्थापना हुई तथा इसी के शासनकाल में 1942 में पंचोत्ता आंदोलन चला, और पंचोत्ता आंदोलन का नारा था भाई दो ना पाई दो। पेपर में पूछा जाता है भाई दो ना पाई दो, ये पंचोत्ता आंदोलन का नारा था। और इसी के शासनकाल में ही आपके
पछौता आंदोलन हुआ तो पछौता आंदोलन किया गया, तो इसमें किसान सभा का गठन किया गया, किसान सभा गठन किया गया। इसके जो सभापतियों में पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते, इसका सभापति किसे बनाया गया? सभापति जो इसके सभापति बने थे वो थे वैद्य सूर्य सिंह और लक्ष्मी सिंह को चुना गया। कौन? वैद्य सूरत सिंह और लक्ष्मी सिंह को चुना गया। नेक्स्ट बात करें यहां पे कि ये जो आपका राजेंद्र प्रकाश ने इसने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 13 मार्च 1948 में इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा 15 अप्रैल 1948 में सिरमौर को जिले के रूप में या सिरमौर को जिला बनाया गया। कब? 15 अप्रैल 1948 में सिरमौर को हिमाचल प्रदेश का जिला बनाया गया, प्रदेश का जिला बनाया गया। तो ये था हमारा आज का जिला, जिला सिरमौर। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।